हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 65 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 66 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। मॉल के अंदर श्रेया उछल कूद करते हुए इधर उधर घूम रही थी और सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। रिया भी खुशी से सब कुछ देख रही थी, क्योंकि उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद था। वो कोई अच्छी सी स्टोर देख रही थी जिसमें वो शॉपिंग कर सके। तभी उसकी नज़र एक शॉप पे गई और उसे वहाँ एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी। फिर वो श्रेया को खींचते हुए वो शॉप के साथ अंदर चली गई। श्रेया भी बिना कुछ कहे उसके साथ शॉप के अंदर ही चली गई। जैसे ही वो लोग अंदर गए, एक फीमेल स्टाफ ने जो गर्मजोशी से दोनों का स्वागत किया। वो फीमेल स्टाफ ने पहले ही रिया और श्रेया को नोटिस कर लिया था। वो उन दोनों को देख के ही बता सकती थी कि वो दोनों बहुत बड़े परिवार से हैं। रिया ने जो कपड़े पहन रखे थे वो एक लिमिटेड एडिशन के कपड़े थे। उस फीमेल स्टाफ को उस ब्रांड के कपड़े बहुत पसंद थे, इसलिए वो तुरंत उस कपड़े ड्रेस को पहचान गई। उसे रिया से बहुत जलन भी हो रही थी, क्योंकि वो इस ब्रांड के एक ड्रेस को भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वहीं रिया ने तो लिमिटेड एडिशन की ड्रेस पहन रखी थी। श्रेया जो कपड़े पहन रखे थे वो फॉरेन ब्रांड के थे, इसलिए वो स्टाफ उसे नहीं पहचान पाई। पर उसने श्रेया से जो पर्स ले रखा था वो स्टाफ ने उसे पहचान लिया था। वो बैग भी लिमिटेड एडिशन का था और उसकी कीमत लाखों में होगी। ये सब देखकर वो स्टाफ श्रेया और रिया से चापलूसी भरी आवाज़ में बोली, मैडम आप किस टाइप की ड्रेस चाहिए मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये सुनकर रिया बोली, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। और ये बोलकर वो श्रेया का हाथ पकड़कर अंदर ले गई, क्योंकि रिया ने उससे फीमेल स्टाफ को ये सब हरकतें करते हुए देख लिया था कि कैसे पहले उस स्टाफ ने पहले उनके कपड़े को देखा और फिर उसे चापलूसी करने की कोशिश कर रही थी। और रिया को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो लोगों के कपड़े देख के उन्हें जज करते थे। बोलते हैं ना, जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वहीं श्रेया ने इन चीज़ों को पर ध्यान नहीं दिया था। अंदर जाके रिया सीधे वो ड्रेस के पास गई जिसे उसने बाहर से देखा था। वो एक गोल्डन कलर की स्लीवलेस वन पीस ड्रेस थी जिसके साइड में एक कट था। उस ड्रेस में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे जिससे ड्रेस और खूबसूरत लग रही थी। रिया वो ड्रेस श्रेया को दिखाते हुए बोली, देखो ये कितनी सुंदर ड्रेस है ना। श्रेया को भी वो ड्रेस बहुत पसंद आई थी। श्रेया बोली, हाँ बहुत सुंदर है और तुम पर तो ये और भी अच्छी लगेगी। ये सुनकर रिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर रिया उस ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम में चली गई। रिया के जाने के बाद श्रेया और ड्रेस को देखने लगी। वैसे तो उसे कुछ लेना नहीं था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्रेसेस थे, पर उसने सोचा कि रिया जब तक चेंज करके आती है तब तक कुछ और ड्रेस ही देख लें, क्या पता उसे भी कुछ पसंद आ जाए। वैसे भी कबीर ने उसे कहा था कि वो जो चाहे कपड़े ले सकती है। तभी एक लड़की शॉप के अंदर आई। वो जैसे ही अंदर आई वहीं स्टाफ जल्दी से उस लड़की के पास आते हुए फिर से उसी चापलूसी करने लगी। वो फीमेल स्टाफ हर अमीर लेडीज़ के साथ ऐसे ही बिहेव करती थी, क्योंकि बहुत सारी अमीर लेडीज़ उसकी चापलूसी भरी बातें सुनकर खुश होकर उसे कुछ दे देती थी, और वो जो भी कुछ उसे देते थे वो बहुत बड़ी कीमत होती थी जिससे वो बहुत खुश हो जाया करती और उनकी और चापलूसी करने लगती। क्योंकि वो लड़की इस शॉप की रेगुलर कस्टमर थी, इसलिए वो उसकी चापलूसी कर रही थी। क्या पता वो उसकी बातों से खुश होकर उसे कुछ दे दे। पर लगता है आज उस फीमेल स्टाफ की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस लड़की ने उस फीमेल स्टाफ को पूरी तरह से इग्नोर किया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान श्रेया पे था। श्रेया को वहाँ देखकर उस लड़की का खून खौलने लगा, क्योंकि वो श्रेया से बहुत नफरत करती थी और उसे इस शॉप में श्रेया से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। श्रेया को देखकर उसे याद आया था कि वीर ने उस लड़की की वजह से उसे छोड़ दिया था। उस लड़की का नाम प्रिया था और वो वीर की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो वीर की बहुत पसंद करती थी।
बस जिस दिन श्रेया कॉलेज में आई थी उसी दिन ही वीर ने उसे ब्रेकअप कर लिया था, और अब उसने वीर और जब उसने वीर से इसके पीछे का रीज़न पूछा तो उसने बोला कि मुझे और कोई पसंद आ गया है। ये बस वीर ने उसे पीछे छुड़ाने के लिए कहा था क्योंकि वो बहुत ही चिपकू लड़की थी और उसे कैसे भी करके लड़कियों से पीछे छुड़वाना था। पर यह सुनकर पिया बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि वीर ने दूसरी लड़की की वजह से उसे छोड़ दिया और उसे उस लड़की से नफरत हो गई थी जिसकी वजह से वीर ने उससे ब्रेकअप किया। और तभी अगले दिन ही पिया ने वीर को श्रेया के साथ बहुत अच्छे से बात करते हुए देख लिया था, और उसके बाद उसने बहुत बार वीर और श्रेया के साथ में देखा था, और ये देखकर उसने खुद ही अंदाज़ा लगाया था कि वीर जिसे पसंद करता है वो श्रेया है, क्योंकि वीर ऐसे ही किसी से बात नहीं करता था, और ऊपर से रिया भी श्रेया से बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी क्योंकि सबको पता था रिया की एक मिस्टीरियस बैकग्राउंड है, इसलिए हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, उसकी गुड बुक्स में आना चाहता था, पर वो किसी से बात नहीं करती थी सिवाय वीर के। जब प्रिया वीर की गर्लफ्रेंड थी तो उसने रिया से बात करने की कोशिश की थी, पर रिया ने उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया था, और इस बात के लिए वीर ने उसे बहुत गु़स्सा भी किया था। वो बस रिया से दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि सब देखें कि वो इकलौती ऐसी लड़की है जो रिया से दोस्ती करने में काबिल है। पर वीर की डांट सुनने के बाद उसने फिर कभी रिया से बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वीर उस पर गुस्सा हो जाए और गुस्से में आके उससे ब्रेकअप कर ले, क्योंकि उसे पता था कि वीर एक प्ले बॉय है, वो कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है, और वैसे भी उसे वीर की गर्लफ्रेंड बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था। और अब जब उसने श्रेया को रिया के साथ इतने अच्छे से बात करते देखा, यहाँ तक कि श्रेया रिया के साथ तब भी होती थी जब वीर उनके साथ नहीं होता था, ये देखकर प्रिया को श्रेया से नफरत ही हो गई थी क्योंकि उसके हिसाब से ये सब वो रिजर्व करती थी। पर श्रेया ने उससे सब कुछ छीन लिया था और वो श्रेया से इन सब का बदला लेना चाहती थी, पर वो श्रेया के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी, पर उसे इससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो भी एक अमीर परिवार से आती थी, और वैसे भी अगर श्रेया का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय बैकग्राउंड होता तो पहले ही उसे पता चल जाता। उस दिन उसने ठान लिया था कि वो सब श्रेया से छीन कर ही रहेगी जो कुछ उसका था, पर वो कॉलेज में श्रेया से कुछ चोट नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि वो वीर और रिया की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये सब की वजह से वीर की नज़रों में उसकी इमेज ख़राब हो जाए, ऐसा हुआ तो उसका श्रेया को नुकसान पहुँचाना कि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 66 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 66 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद दोस्तों।